एक सिचुएशन मुझे याद आ रही है जो आई थी कि योर सिस्टर इज लाइंग ऑन बेड स्लीपिंग एंड यू सो अ स्नेक ओवर हर चेस्ट यू विल तो दोस्तों, जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने मेरा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस सुना था, तो अभी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अपना सेकंड डे का एक्सपीरियंस। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब उन्होंने हमें स्क्रीन इन कर लिया एंड उसके बाद हमें ये बताया गया कि शाम को आके हमें अपना PIQ फॉर्म भरना है। तो ये जो PIQ फॉर्म है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके पर्सनल इंटरव्यू या फिर जो साइकोलॉजिस्ट के पास एक कॉपी जाती है इसकी, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कभी आपसे बात नहीं करेगा आपके SSB इंटरव्यू के दौरान। आपके जो लिखित बयान होंगे, जो लिखित जो आप लिखित में दे रहे हैं उसे, उसी के बेस पे वो आपकी एक पिक्चर फॉर्म करेगा अपने माइंड में कि आप क्या सोचते हैं, कैसा व्यवहार है आपका, वो सब जज करेगा उसी के बेस पे। तो जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनायर है ये काफ़ी ध्यान से आपको फिल करना है। जो आपकी नॉर्मल इंफॉर्मेशन है वो तो आप अच्छी तरह फिल कर देंगे, लेकिन इसमें जो हाईलाइट करने वाली बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है आपकी जो हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट हैं और आपकी कोई स्पेशल अचीवमेंट है उसको काफ़ी अच्छे से आपको लिखना है उसके अंदर, जो भी आपने अचीव किया है। मान लीजिए कि अगर आपने कोई स्कूल में किसी कंपटीशन में पार्ट लिया और उसमें भी आपने कोई मेडल अटेन किया है तो आप उसको भी लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम इन दैट। और अगर आप की कोई हॉबी है, लेकिन जेन्युइन हॉबी लिखनी है, आप वाकई में उसको परस्यू करते हैं, तभी लिखिएगा, क्योंकि उसका डिटेल में आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है पर्सनल इंटरव्यू के दौरान। तो इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से आप फिल कीजिएगा अपने PIQ के अंदर। तो हमें शाम को बुलाया गया था PIQ फॉर्म फिल करने के लिए, तो वो PIQ फॉर्म मैंने काफ़ी ठीक ढंग से फिल कर दिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर करके गया था उसे कि मुझे क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है। हॉबीज़ में मैंने लिखा था राइटिंग पोएम्स, कुकिंग, पेंटिंग एंड क्राफ्ट वर्क। जैसा कि मैं कुछ पोएम्स वगैरह लिख लेता हूँ एंड कुकिंग का मुझे बड़ा शौक है एंड पेंटिंग और क्राफ्ट वर्क भी मैं कर लेता हूँ। जैसा कि आपको ये पीछे दिख रहा होगा वो डोनाल्ड डक टंगा हुआ है एंड गणेश जी की ये फ़ोटो दिख रही होगी, ये मैंने अपने स्कूल टाइम में आर्ट एंड क्राफ्ट के जो पीरियड्स होते हैं उसमें बनाई थी। मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है इन चीज़ों का, तो मैंने वो ऑनेस्टली उसमें लिखा। एंड इसके बाद हमें बताया गया कि सुबह हमारा साइकोलॉजी का जो टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो कंडक्ट होगा एंड उसके अंदर जैसे कि TAT थीमेटिकल एपरसेप्शन टेस्ट, WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SD सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ये सब इंक्लूड होता है उसके अंदर। एंड आपको बड़े धैर्य रखते हुए उन सब चीज़ों का जवाब अपने डोजियर के अंदर लिखना होता है। तो अगले दिन फिर हम गए एंड हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले TAT आता है। तो TAT में आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी वन बाय वन, आखिरी पिक्चर जो होगी वो ब्लैंक होगी। तो सबसे पहली पिक्चर मुझे याद आ रही है, वो एक रोड साइड एक्सीडेंट का सीन था। तो मैंने उसको काफ़ी अच्छे से स्टोरी लिखी उसके ऊपर, कि बताया उसमें कि एक पर्सन जा रहा था रास्ते में एंड उसका एक्सीडेंट हो गया और काफ़ी भीड़ दिख रही थी उसमें इकट्ठी। तो मैंने एक मेन कैरेक्टर बना दिया जिसने उस पर्सन की हेल्प की एंड उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाई, वहाँ के नियरेस्ट जो ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम था एंड एम्बुलेंस को कॉल करके उसे हॉस्पिटल पहुँचाया गया। तो ऐसा करके मैंने उसमें अपनी स्टोरी लिखी और ये बताया कि जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो अपने कॉलेज की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में उसने देखा कि ऐसे ऐसे करके एक एक्सीडेंट हो गया है। लास्ट में मैंने उसको कॉलेज में ही पहुँचाया, क्योंकि जो हमारा मेन एम था, मेन गोल था कॉलेज जाने का, वो भी हमें रास्ते में मिस नहीं करना। अंत में जब मैंने स्टोरी को कंपाइल किया तो मैंने ये बताया कि जब एम्बुलेंस आ गई और वो उस पर्सन को हॉस्पिटल लेके चले गए तो जो मेरा जो मेन कैरेक्टर था वो अपने कॉलेज में चला गया। तो ऐसे करके काफ़ी पिक्चर्स आई। एक पिक्चर और मुझे याद आती है, एक पर्सन बैठा हुआ था पेन को पकड़ के एंड कुछ सोच रहा था। तो इसमें मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी हॉबीज़ में राइटिंग पोएम है मेरी हॉबी, तो मैंने अपनी हॉबी से ही इसको लिंक कर दिया।
मैंने ये लिखा उसमें कि ये एक पोएट है एंड अपनी कोई पोयम ये लिख रहा था, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर लाइन पे ये स्टक कर गया जहाँ पे इसे कोई एक शब्दावली में प्रॉब्लम हुई, शब्द नहीं मिल रहे इसको अपने भावों को व्यक्त करने के लिए। लेकिन अंत में इसने वो शब्द ढूंढ लिए एंड लिखने के बाद इसकी जो पोयम थी वो कंप्लीट हो गई। एंड फिर इसने जो पब्लिशिंग हाउस था पोएम्स का, उसने अपनी पोएम दी एंड उस पोएम को पब्लिश किया। एंड अंत में वो पोएम काफ़ी प्रचलित हुई, लोगों को काफ़ी पसंद आई वो पोएम एंड वो एक सक्सेसफुल पोएट बन गया। तो ऐसा करके मैंने अपनी स्टोरी लिखी थी इस संदर्भ में। तो मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि वो जो टाइम मिलता है हमें, काफ़ी लिमिटेड सा टाइम होता है, 4 मिनट में हमें अपनी स्टोरी को कंपाइल करना होता है। तो इसमें आपको हेडलाइन या हेडिंग कोई देने की ज़रूरत नहीं है स्टोरी की, आप डायरेक्टली स्टोरी की तरफ मूव कीजिए। आप शॉर्ट और प्रिसाइज वे में अपनी स्टोरी को कंपाइल कीजिए ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। उसके बाद जैसे ही TAT कंप्लीट होता है, उसके बाद WAT की जो स्लाइड्स होती हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। एंड आपको पता ही है कि हर स्लाइड में एक वर्ड होता है और हर वर्ड के बारे में लिखने के लिए आपको सिर्फ 15 सेकंड का टाइम अलॉट होता है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स आते हैं उनको आप नंबरिंग करके लिखिए। जैसे कि नंबर 1 पे मान लो एक वर्ड आया रेड, तो रेड से अगर आपके माइंड में इमीडिएटली कुछ नहीं आ रहा तो आप उस वर्ड को लिख लीजिए सिर्फ नंबर 1 के आगे रेड, ताकि आपकी जो नंबरिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे कि सेकंड वर्ड आया ब्लड, तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आया तो आप उसको सिर्फ ब्लड लिख के छोड़ दीजिए, ताकि जो बाद में टाइम आपको मिले जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए, जैसे SD जब आप कंप्लीट कर लें, तो 4-5 मिनट अगर आपके पास बच जाएं या 2-3 मिनट भी बच जाएं तो आप वापस जाकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और वो तभी कंप्लीट कर पाएंगे आप जब आपने उस वर्ड को लिखा होगा सीरियल नंबर के अगेंस्ट। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाता है WAT, उसके बाद हमें SRTs दी जाती हैं। एक क्वेश्चनायर दिया जाता है जिसमें सिचुएशंस लिखी होती हैं, तो आपको अपने डोजियर में उसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करना होता है। मान लीजिए एक सिचुएशन दे दी उन्होंने कि आप अपने NCC के ग्रुप को लेकर एक विलेज में गए हैं, विलेज के पास एक फॉरेस्ट है वहाँ गए हैं और आपने देखा कि आप रात के लिए ब्लैंकेट्स वगैरह तो लाना ही भूल गए और सर्दी का मौसम था, तो यू विल ऐसे करके एक सिचुएशन मेरे पास आई थी। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको ये मेंशन किया गया है कि आप विलेज के पास वाले फॉरेस्ट में गए हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि आई विल फॉर्म अ ग्रुप एंड दैट ग्रुप विल हेड टूवर्ड्स द सरपंच ऑफ द विलेज एंड टेक हेल्प फ्रॉम द सरपंच ऑफ द विलेज, टेक ब्लैंकेट्स फ्रॉम देयर एंड मीन वाइल कम्युनिकेट द सेम टू अवर हेड ऑफिस फ्रॉम वेयर वी हैड केम टू द कैंप एंड दे विल ऑल्सो प्रोवाइड द रिसोर्सेज फ्रॉम देयर। ऐसा करके आप लिख सकते हैं कुछ भी, जो भी आप मतलब एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसको पॉइंट्स में करके कॉमा डाल के आप लिख सकते हैं। तो अपनी सिचुएशंस को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर दिया, तकरीबन 2 लाइन में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। चाहे आप कंप्लीट ना कर पाओ अपनी सारी SRTs को, जैसे कि 60 SRTs होती हैं, तो मैं बताता हूँ कि मैंने सिर्फ 32 SRTs को ही कंप्लीट किया था, लेकिन हर SRT को मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया था 2 लाइन में, 2 या 3 लाइन में, जितना भी एक्सप्लेनेशन मांग रही थी वो सिचुएशन। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब आप सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से एक्सप्लेन करें। एक सिचुएशन मुझे याद आ रही है जो आई थी कि योर सिस्टर इज़ लाइंग ऑन बेड स्लीपिंग एंड यू सो अ स्नेक ओवर हर चेस्ट यू विल। तो मैंने उसमें लिखा था माई सिस्टर इज़ कवर्ड विद ब्लैंकेट एंड द स्नेक इज़ सिटिंग ऑन द ब्लैंकेट, सो आई विल क्रम्बल दैट ब्लैंकेट एंड थ्रो इट आउटसाइड द विंडो। ऐसा करके मैंने उसमें कुछ लिखा था जो मुझे याद आ रहा है। तो जब ये सिचुएशंस कंप्लीट हो गई हैं तो उसके बाद आपको टाइम मिलेगा SD के लिए।
एसडी के लिए 15 मिनट्स का टाइम होता है, और उसमें आपको पता ही है कि 5 पॉइंट्स होते हैं। आपको अपने बारे में लिखना होता है, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं वो लिखना होता है, एंड आपके टीचर्स आपके कलीग्स आपके बारे में क्या सोचते हैं वो लिखना होता है, किस टाइप के पर्सन आप बनना चाहते हैं या क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने अंदर, वो चीज़ लिखनी होती है। तो ऐसा करके ये 5 पॉइंट्स होते हैं, ये आपको लिखने हैं। ये आप घर से भी प्रिपेयर करके जा सकते हैं। अगर आपने घर से प्रिपेयर किया होगा और अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो आप यहाँ पे अपना टाइम सेव कर सकते हैं 3 से 4 मिनट, और उन 3 से 4 मिनट को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी अधूरी कुछ जो चीज़ पीछे छूट गई हो, जैसे TAT की कोई स्टोरी अधूरी छूट गई हो, कोई WAT छूट गया हो, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं उस टाइम में। मैंने भी ऐसा ही किया था, मेरे पास 2 से 3 मिनट बच गए थे, तो मेरे कुछ WATs मिस हो गए थे जो मैंने लिख लिए थे, वैसे वर्ड्स लिख लिए थे लेकिन उनको मैं व्यक्त नहीं कर पाया था तब, तो मैंने उनको कंप्लीट कर लिया था। तो ये है दोस्तों मेरा जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ था उसका एक एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और आप जो अपनी आने वाली SSB है उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। इसका जो अगला पार्ट होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा, जो थर्ड डे का जो एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ। तो ऐसे ही बने रहिए इस चैनल के साथ। यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ऐसे ही प्यार बनाए रखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद।